नमस्कार, वैल्यूएशन सीरीज के इस पहले वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज को हम 15 अगस्त को ही शुरू करने वाले थे, पर कुछ इश्यूज की वजह से इस सीरीज को शुरू करने में देरी हो गई। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो पहले समझते हैं कि यह वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन का मतलब है कंपनी की करंट वर्थ निकालना। जब आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो आप पता कर लेते हो कि कौन सी चीज़ें मार्केट में आज महंगी मिल रही हैं और कौन सी सस्ती। ये आप कैसे पता कर लेते हो? आप उस चीज़ की वैल्यू को उसकी प्राइस के साथ कंपेयर करते हो और उसकी मदद से पता कर लेते हो कि वो चीज़ महंगी मिल रही है या सस्ती। अगर आप प्राइस और वैल्यू के बीच कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो मिस्टर वॉरेन बफेट ने प्राइस और वैल्यू को बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। यानी जो आप पे करते हो वो प्राइस होती है और बदले में आपको जो मिलती है वो वैल्यू होती है। अगर आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो और बदले में आपको कम वैल्यू मिल रही है तो उसका मतलब है कि वो चीज़ ओवर वैल्यूड है। और जब आप किसी चीज़ के लिए कम प्राइस पे कर रहे हो और बदले में आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तो उसका मतलब है कि वो चीज़ अंडर वैल्यूड है। अगर किसी शेयर की प्राइस 1000 रुपये चल रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस शेयर की वैल्यू 1000 रुपये ही हो। उस शेयर की वैल्यू 1000 रुपये हो सकती है या उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो जब कोई स्टॉक उसकी वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड हो रहा होता है तब उसे ओवर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं, और जब कोई स्टॉक उसकी वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड हो रहा होता है तो उसे अंडर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं। वैल्यूएशन में आप उस स्टॉक की फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो। वैल्यूएशन में आप प्राइस नहीं देखते हो, वैल्यूएशन में आप उस स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालते वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल वो बताते हैं कि आपको किसी शख्स का एग्जैक्ट वेट यानी वजन नहीं पता करना है। आपको बस ये पता करना है कि वो आदमी दुबला पतला है, ठीक ठाक है या मोटा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मेन फायदा ये है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक की प्राइस लोग डिसाइड करते हैं, और कई बार लोग इमोशंस के बहाव में आकर या किसी और कारण से स्टॉक की फेयर वैल्यू पता करने में गलती करते हैं, जिसकी वजह से कई बार स्टॉक की फेयर वैल्यू और शेयर प्राइस के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और इन्वेस्टर्स लोगों की इन गलतियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग वैल्यूएशन करते वक्त वैल्यूएशन नहीं निकालते हैं, वो प्राइसिंग करते हैं। वो देखते हैं कि जिस कंपनी में उन्हें इन्वेस्ट करना है उस जैसी दूसरी कंपनीज के लिए लोग कितनी प्राइस पे कर रहे हैं, और फिर उससे कंपेयर करके वो पता करते हैं कि जिस कंपनी में उन्हें इन्वेस्ट करना है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो वैल्यूएशन नहीं बल्कि प्राइसिंग कर रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि वैल्यूएशन निकालते वक्त आप वैल्यूएशन ही निकालो, प्राइसिंग नहीं। कंपनी का एनालिसिस करके, उसके बिजनेस को समझकर और उसके सारे पहलू देखकर आप कंपनी का वैल्यूएशन निकाल सकते हो। वैल्यूएशन निकालने की अलग अलग मेथड्स होती है, जैसे कि नेट एसेट वैल्यू मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड दैट इज DCF मेथड, प्रिसिडेंट ट्रांजेक्शन एनालिसिस, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस एटसेट्रा। इस वैल्यूएशन सीरीज के आने वाले वीडियोस में हम वन बाय वन इन सारे वैल्यूएशन मेथड्स को डिटेल में समझेंगे और वैल्यू इन्वेस्टिंग पर भी डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।